Shana Chitra Chitra Wama. Then up Yasara Vasaha. Without Yahoo. Then up Yasara Vasaha. Emergency Shana Nama Legislative Council. Then up Walidari Saha. Carpenter Alkahaza. Then up Shakil Namur Saha. Carpenter Carpenter. और स्पीकर शशी वर्मा है बुजुर्गो दोस्तों साथियों और प्रभावित कर सुनने वाले मेरी इज्जत महामान का आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। आप आपको भी जानते हैं कि इंतखाबात चल रहे हैं। जैसा आप जानते हो कि ये हल्का यापतपुरे में आता है। यापतपुरे की तरफ से मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिम का उम्मीदवार ये खादिम जाफर हुसैन मेराज है, जिसको सदर मजलिस ने तहे चेहरे उम्मीदवार बनाकर यहाँ पर भिजाया। और अभी भी मिलत ने खास तौर से मुझसे कहा कि मेरा साहब यहाँ जाइए, यहाँ से उम्मीदवार आपको बनाया गया है, ये एरिया के अंदर आपको डेवलपमेंट का काम करना है और आपको लोगों को खिदमत करना है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही मोहब्बती है, क्योंकि मैं जानता हूँ। आज सुबह मैं यहाँ पर दौरा कर रहा था, तब मुझे पता चला मोहब्बत क्या चीज होती है। तब मैं देखा कि वाकई यापुरे की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि मैं बयान नहीं कर सकता। एक ही अल्फाज में कह देता हूँ कि यापुरा पहले किसी को अपना बोलता ही नहीं, बोला तो छोड़ता ही नहीं, ये यापुरा है। अब रहा सवाल ये कि मेरे बारे में लोग काफी चीजें बातें करते गए हैं, बोले हैं कि हल्के नाम पर से पहले से एमएलए में दो टर्म काम किया था, उसमें अल्लाह के फजल करम से काफी डेवलपमेंट के काम हुए, काफी लोग बोल रहे थे। तो मैं एक ही बात कह देता हूँ, मेरी जो पहचान है वो काम वाले की हैसियत से, नाम वाले की हैसियत से हरगिज नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ अल्लाह सुबहानहु तआला अगर किसी को मौका देता है खिदमत का तो उसकी पूंज भी होने वाली है। कि यही चीज के लिए अगर फर्ज करो मैं पैसे एमएलए यहाँ से अल्लाह के फजल करम से मुंतखब होगा, उसके बाद मैं यहाँ की आवाम का काम नहीं करूँगा, तो मेरे के लिए एक बहुत बड़ी पूंज होगी, वो यहाँ दुनिया में नहीं आखिरत में पूंज होगी। कि मैंने कुछ को जिम्मेदारी दी थी आवाम की खिदमत के लिए, फलाना इंसान आया था तेरे पास काम के लिए, तूने क्यों काम को मुकरा है, तूने क्यों काम के लिए मना किया है, ये तमाम पूंज अल्लाह के पास होने वाली है। तो मैं वही दिल और दर्द रखते हुए यहाँ पे खिदमत करने आया हूँ। मेरा सवाल ये है, मुझसे जो टाइम दो टाइम जो अल्हम्दुलिल्लाह नामपल्ली में अल्लाह सुबहानहु तआला ने काम लिया, वो भी अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह का फैसला था। इंसान जब पैदा होता है अल्लाह सुबहानहु तआला उसकी तमाम चीज लिख देता है कि तू फलाने टाइम पे वहां जाएगा, तेरा रिस्क वहां लिखा हुआ है, तेरी पहचान वहां पर है, तुझे ये नाम से पुकारा जाएगा। कल तक मुझे एमएलए नामपल्ली के नाम से पुकारा जाता था, इंशाल्लाह 3 दिसंबर को एमएलए यापतपुरे के नाम से मेरी पहचान बनेगी, ये मेरा अकीदा और ईमान है। क्योंकि हर कोई जानता है हर एक का एक अपना काम होता है। ये हल्का यापतपुरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ना सिर्फ शान है, आन है, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वकार हल्का है। यहाँ पर पिछले मैं समझता हूँ करीब 50-55 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत चलते हुए आ रही है। यहाँ पर मेरे बड़े भाई जनाब मुमताज अहमद खान साहब 5 मरतबा यहाँ से इलेक्ट हुए, वो आपसे खिदमत करे हैं। उसके बाद में मेरी पार्टी के बहुत बड़े उम्मीद मैं जनाब सैयद अहमद पाशा आदरी साहब ने 5 साल काम किया है, तो काम नहीं हुआ मैं नहीं बोल सकता। मैं ये बोल सकता हूँ काम की नवीयतें बदलती गई है। आप जानते हैं जो बुजुर्ग है मैं उनको कहता हूँ, पहले हमारे बचपने के अंदर मिठाई की दुकान पे जाते तो चंगेरी के अंदर मिठाई पैक होती थी, वही सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। उसके बाद में डब्बा आया, आज पैकिंग बड़ी आ गई, मिठाई छोटी आ गई है। तो इसका मतलब यह है कि आज का जो काम है वो प्रेजेंटेशन का काम है। तो अल्लाह सुबहानहु तआला
मुझे अगर मौका देगा तो मैं जरूर भी जरूर मौजूदा हिसाब से या फिर पूरे को डेवलप करके बताऊंगा, ऐसा डेवलप करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। इंशाल्लाह अगर वक्त आया, टाइम आया तो क्या बेहतर कर सकते वो तमाम काम करके बताऊंगा। जैसा मेरे बाजू राइट के ऊपर एक नाला है, अल्हम्दुलिल्लाह नाले की वाइटिंग भी हो गई है, दीवार भी उठ गया है। मैं स्टेज पे बैठे बैठे ये नाले को गौर कर रहा था तो मेरे जहन में एक बात आई, अगर जबस्ती वाले एरिए वाले अगर इजाजत देते, अगर मैं इसके बाजू बेहतरीन खूबसूरत अगर गार्डन बना दूंगा तो इसकी खूबसूरत कितनी हो जाएगी। लोग जिस तरीके से रिवर फ्रंट को जाते हैं, जिस तरीके से टैंक वन को जाते हैं, अगर वो चीज मैं पेश करूंगा तो आप सोचिए तो जमीन पड़ेगी वैल्यू नहीं बनेगी क्या? 100% वैल्यू पड़ेगी। ये सोच मेरी है, ये फिक्र मेरी है। जैसा आप जानते हैं हमारे यहाँ काफी लोग कह रहे होंगे ये नामपल्ली के अंदर शांति नगर में नाइस हॉस्पिटल था, वहां पर एक गली थी, वो गली के अंदर इतना कचरा, लोग पेशाब करते थे और इतनी परेशानी थी कि लोग रात को चलने डरते थे। दो चार बार मैंने गुजरा, असद साहब ने मुझे फोन किया, मेरा साहब इसका कुछ रास्ता निकालिए, तो अल्लाह के फजलोक्रम से मेरे जहन में एक बात आई थी तो मैं वहां पर फूड स्ट्रीट बोलकर बनाया। आज अल्लाह के फजलोक्रम से को रोजगार भी मिला है और एक खूबसूरत चीज बनी है। ऐसे काफी फूड स्ट्रीट मैं यहाँ पर भी बनाना चाहता हूँ ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और खूबसूरती भी बढ़े, एक मॉडल बने। उसी तरह मेहंदीपट्टनम के ऊपर मैंने देखा कि टोटल सर्वे कराया तो पता चला 25,000 लोग रोड इधर से उधर क्रॉस करते हैं चौरस के रेती बाजार के आजू बाजू, तो वहां पर लोगों को क्रॉसिंग में बड़ी दुश्वारी होती थी। तो हमने प्रपोजल एक्सपर्ट से मशवरा करा, करने के बाद हमने इसका वे का प्रपोजल दिया, हुकूमत ने उस प्रपोजल को माना, इंशाल्लाह ताला उसका काम चल रहा है। जिस दिन फिनिश हो जाएगा आप देख लेना केबल ब्रिज की तरह इसका वे बन रहा है जिसकी लागत 30 करोड़ रुपए है। हम ये कहना चाहते हैं अगर हमारे में सोच रहेगी तो हम खूबसूरती ला सकते हैं, इंशाल्लाह जरूर ब जरूर लेकर आएंगे। क्योंकि आज माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि मैं खुद बयान करना नहीं चाहता था, मगर याकूत पूरा लोगों को तो ऐसा समझ में आ रहा है कि ये याकूत है। हमको मालूम था ये याकूत एक हीरा होता था, वो हीरे को नहीं पहचाने थे। हम बताते हैं कि याकूत क्या है। तो आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था तो मुझे पता चला याकूत पूरे से 30 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। क्या क्यों बाबा, एक भाव नहीं आ गया तो इतने साले पीछे। ठीक है, हमको मालूम है हम भी ऐसे दहशत करते ससुराल में गए तो दहशत फैला देते, उसी अंदाज से हम तुमको बता देंगे बाबा ये याकूत पूरा है। जितने आते हैं आओ, आने का रास्ता तो तुमको मालूम है, जाने का रास्ता हम बताएंगे कहाँ जा सकते हो। हमको मालूम है, हम जानते हैं, हमारी भी अपनी एक पहचान है, हमको पता है, मगर फिर का परस्ता करों का क्या आलम है। हमारा जो डायरेक्ट मुकाबला है वो किसी और से नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से है। जो वीरेंद्र यादव यहाँ का उम्मीदवार बीजेपी से ठहरा है वो पक्का आरएसएस का उम्मीदवार है, वो आरएसएस की सोच रख के यहाँ पर आया है। उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे कुछ अपने भाई कम से कम 15-20 जने नॉमिनेशन डालते हैं और ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के वोट कटवा देंगे। अरे बाबा तुमको मालूम नहीं है, हम जिस दिन निकलेंगे उस दिन हम तुमको बता देंगे कि पीटी उषा की तरह तुमको भगाएंगे। ऐसा भगाएंगे तुम लोग खुद सोचते रह जाओगे, क्योंकि फिर वापस ताकत बीजेपी आज मुल्क का क्या हाल बनाई हुई है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक छोटा सा वाकया बयान करने में मुझे एक और जलसे में जाना है। आपने कुछ दिन पहले सुना था कि ट्रेन के अंदर फायरिंग हो गई थी, 3 मुसलमानों को जो दाढ़ी वाले थे नमाजी थे उनको चुन चुन के पुलिस वालों ने मारा, एक पुलिस वाले ने मारा।
तो आपको मालूम है एक बेचारा साहिबुल्ला जो मेरी अपनी कांस्टेंसी नामपल्ली बाजारघाट में रहता था, जैसे ही इतना मिली सदर मंजिल ने कहा मेरा साहब आपके हल्के का कोई आता है। मैंने कहा हाँ साहब, नहीं आप पहुंच चुका हूँ, वो बाजारघाट का है। तो बोले उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मारने वाला तो मामा, पूछने वाले कोई नहीं थे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने न सिर्फ उसके घर पे जाके गई, उसके बाद में मैं खुद उसके अपराध खानदान, उसके भाई, उसके मामू, उन सबको लेके इमीडिएट फ्लाइट में बॉम्बे रवाना हुआ। वो टैंक मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था, मैंने ये नहीं देखा कि मुझे डॉक्टर चलने से मना किया है। मैंने ये देखा ऐसे वक्त के ऊपर कुछ भी हो जाओ, मेरी पार्टी की और मेरी इनको जरूरत है। अगर मैं इनका साथ नहीं दूंगा तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सोच के इन लोगों को रात रात लेकर गया। रात में ही हमने वहां पर हॉस्पिटल गया, पुलिस वालों से रब किया, रेलवे से रब किया। रब करने के बाद उसकी पार्टी को पोस्टमार्टम करा के एम्बुलेंस लेके वो बिदर के करीब उनका नेटिव प्लेस था, वहां पर उनको दिलाए और रेलवे से जब तक 10 लाख रुपए का चेक उसको दिलाए। उसके बाद में असेंबली कुछ दिन के बाद, 1-10 दिन के बाद आई, तो मैंने अकबर साहब से कहा साहब इसको कुछ ना कुछ हुकूमत से दिलाना चाहिए। तो अकबर साहब ने ठहर कर असेंबली में कहा कि हमारे यहाँ का तेलंगाना का एक मुसलमान बच्चा है जो अपने मालिक के साथ में, जिसकी मोबाइल की दुकान थी, जब मोबाइल की दुकान कोठी में थी, अपने मालिक के साथ अजमेर गया था। अजमेर से बॉम्बे आने में कुछ नेसेसरी परचेस करने के वापिस आने वाला था, उसका इस तरीके से कत्ल किया गया। तो तेलंगाना हुकूमत ने इमीडिएट ऐलान किया सेवा को सरकारी नौकरी, एक डबल बेडरूम, इमीडिएट पेंशन, और टीआरएस गवर्नमेंट जो टीआरएस है उन्होंने अपनी तरफ से 200 लाख रुपए एक एक बच्ची के नाम पे, यानी 3 मासूम बच्चिया पे उसको उसके नाम पे रखाया, और हमारी पार्टी की तरफ से 1-1 लाख घर कर दिया। उसके बाद में जो भी पहले में हजरात थे उन लोग ने भी मदद की, यह अल्लाह का फजल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुल्क कौन सी मोड़ पे जा रहा है, आप देखिए हिंदुस्तान आजाद हुए में 75 बरस हो गए हैं, मगर आज भी हमको शक की नजर से देखा जाता है। मैं हुकूमत करने वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ हाँ हमारा कसूर क्या है ये बताइए। हमारा कसूर यही है कि हम मुसलमान इस्लाम में पैदा हुए हैं, तुम समझते होंगे हमारा कसूर क्या है। अरे हुकूमत करने वालों मेरा सवाल तुमसे है, अरे कांग्रेस वालों, अरे बीजेपी वाले, कांग्रेस वालों ने भी हुकूमत किया मगर भूखा परस्ती को कम नहीं कर सके। आज बीजेपी वही भूखा परस्ती लेके जा रही है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे हुकूमत करने वालों हमारा कसूर क्या है ये बता दीजिए। हाँ हाँ हम भी हिंदुस्तान के शहरी है, हम जीते हैं तो सर जमीन हिंदुस्तान पे जीते हैं, हम मरते हैं तो सर जमीन इसी हिंदुस्तान पे रहते हैं। अरे हमसे बढ़कर वफादार इस मुल्क में कौन है, हम तुमसे सवाल पूछना चाहते हैं। अरे बीजेपी वालों और विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, हमारा सवाल तुमसे है, हमारा कसूर क्या है हम ये पूछना चाहते हैं। हम ऐसी बात पूछते हैं तो ये फिरका परस्त ताकतों को तकलीफ हो जाती है और ये कहते हैं कि फलाना है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, वक्त और हालात को समझिए। 30 नवंबर को अपने इत्तेहाद का सबूत देना है। इत्तेहाद का सबूत इसीलिए देना है ताकि आप जानते हैं कि इत्तेहाद में ही हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब की मरतबा अल्लाह सुबहानहु तआला ने मुझे जब यहाँ का उम्मीदवार बनाकर भिजाया तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कामयाबी होगी। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग के ऊपर आपको कदम दबाना है। मेरे एक अच्छे भाई यहाँ पर माजिद भाई बैठे हैं, वो मैं बहुत काफी जमाने से जानता हूँ। मैं यहाँ पर आज दौरा कर रहा था, एक सवाल में उन्होंने मुझसे कहा, वो सवाल के बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। इन्होंने मुझसे कहा कि मेराज भाई पुराने शहर में आके आपको कैसा लग रहा है।
तो मैं माजिद भाई को और पूरों को एक बात बोल देता हूँ कि कुछ जिम्मेदारी की तरफ से, जैसा अगर कोई बच्चे को जिम्मेदारी बाहर नौकरी के लिए जाता है, अगर उन्हें घर को वापिस आया उसके लोग पूछे घर को आके कैसा लग रहा है, अरे बाबा मैं तो घर को आया हूँ, मुझे जितनी खुशी हो रही है शायद किसी को इतनी खुशी नहीं होगी, मैं अपने घर में आ गया हूँ, मैं अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहता हूँ, अपने बुजुर्गों की खिदमत करना चाहता हूँ, ताकि अगर मुझसे अगर मेरे बुजुर्गों का अगर कोई काम निकलेगा तो मैं समझूंगा कि सबसे ज्यादा खुशकिस्मत मैं हूँ और कोई नहीं है। इसके लिए आपसे मैं दरखास्त करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ये खादिम इसे हमेशा आपके दरमियान में रहेगा और खिदमत करते रहेगा और ये बता देगा कि मैं काम वाला हूँ, मैं काम वाला हूँ, मैं काम वाला हूँ।